जिले में ये 1 फरवरी से अभी तक कोरोना का एकदम से प्रभाव बढ़ रहा है। जो जो 25 या 30 केसेस आ रहे थे वो एकदम 150 केसेस तक के केसेस पहुंच गई है। उसकी वजह दो है। एक तो जो होम क्वारंटाइन वाले जो रुग्ण थे उन लोगों ने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी से वो घर पर नहीं रुके, और जहाँ जहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ करना था वो मास्क का सोशल डिस्टेंसिंग का वापर सब लोगों ने नहीं किया। मेरी अकोला जिले के सभी लोगों से, नागरिकों से बहुत तहे दिल से मेरी विनती है कि वो अगले 1 महीने के अंदर यदि इसकी इन चीज़ों के ऊपर यदि ध्यान ना दे, कोई कारण से कोई आवश्यक काम के वजह बगैर कोई बाहर ना निकले, और जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ करें, हॉस्पिटल में, दुकानों में, बाजारों में, कहीं पर भी वो जाते हैं तो अपना मास्क का यूज़ करें। यदि वो यूज़ करता रहे तो ही हम लोग इसमें से बच सकते हैं। कल जो हमने आदेश किए थे वो आदेश में हमने ये भी कहा था कि 5 लोगों के ऊपर कहीं पे जमाव ना हो। जहाँ जहाँ पे भी शादियाँ हो रही है, शादी के मंडप में 50 लोगों के ऊपर लोग यदि होते हैं तो उस मंडप या जो अपना मंगल कार्यालय होते हैं उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उसका आज वो हमने उत्सव मंगल कार्यालय के ऊपर गुना भी एक दाखिल किया है कि जो वहाँ पे 50 के ऊपर कई ज़्यादा लोग थे। और भी अपने जो धार्मिक जगह जहाँ जहाँ पर भी लोग जाते हैं वहाँ पर भी यदि बहुत ज़्यादा गर्दी हो रही है या फिर वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का वहाँ पर नहीं होता है तो वो जो धार्मिक स्थल है उसके जो कि व्यवस्थापन वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और जहाँ पर भी वही ऐसे मोर्चा निवेदन, पूर्चा आंदोलन या फिर कई स्नेह सम्मेलन या फिर जो जो अपने कार्यक्रम होते हैं उनमें भी 50 के ऊपर यदि लोग रहते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। स्कूल हैं जो 5 से 9वीं तक हमने शुरू किए थे वो भी हमने 28 तारीख तक बंद कर दिए है। आज भी कम से कम 154 केसेस RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आई हुई है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अभी केसेस में डबल से ट्रिपल से इजाफा हो रहा है। यदि 15-20 दिन 1 महीना तक अभी अपने ऊपर अपन नियंत्रण नहीं रखते हैं तो सितंबर का जो अपना एकदम सर्ज बढ़ के एकदम केसेस बढ़ गई थी वो आने में टाइम नहीं लगेगा, और उसका सारा जो कोई खामियाजा है वो सारे अकोला की जनता को ना ना तो अपन बोल सकते हैं पर पूरे राज्य को हो सकता है। और यदि यदि इसमें 7-8 दिन में यदि सुधार नहीं होता है तो इससे भी कड़े कदम जिला प्रशासन के ऊपर के तरफ से किए जाएंगे। हो सकता है कि कहीं बड़ा पूरे लॉकडाउन भी किया जा सकता है, पर मेरी ये विनती है कि अभी अपने को यदि खुला रहना है, अपने खुली सारे कामकाज यदि करने हैं, व्यापार व्यवहार ही करना है तो अपने ऊपर ये नियंत्रण लागू करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर के बुजुर्ग लोगों को सुरक्षित रखें, छोटे बच्चों को भी मास्क और इसका यूज़ करने के लिए बोले ताकि इसका प्रभाव अपन यहीं के यहीं खत्म कर सके। होम क्वारंटाइन या जितने भी लोगों को कोई भी सिम्टम यदि दिखते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, तो इमिजिएटली वो अपने RT-PCR या रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं। उसके लिए हमने कई जगह पे हमने अभी अभी आज कैंप खोल खोल के हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने टेस्ट करवा लें। जिसको भी यदि थोड़ा छोटा सा भी बुखार आता होगा तो या फिर वो अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास में जाकर अपनी तबीयत दिखा रहे होंगे तो वहाँ पर भी मेरी सारे जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स लोगों को भी विनती है कि वो RT-PCR के लिए किसी को ताबड़तोब उनको बताएं कि वो RT-PCR करवा ले, और सिर्फ HRCT के भरोसे ना रहते हुए RT-PCR का टेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर अपने को बराबर उसकी जो ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट मिल सकती है और अपनों को रुग्णों को बचाया जा सकता है। मेरी सभी लोगों से राय है, विनती है कि इसके ऊपर वो यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें, अपने सैनिटाइजर का यूज़ करें, अपने हाथ धोए और घर पे सुरक्षित रहें। थैंक सर, आज जो मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी बैठक हुई है ऑनलाइन, उसमें क्या निर्णय लिए गए? वही निर्णय शॉर्ट में वही मैंने सारे निर्णय वहीं पे अभी दोहराए हैं, पर मुख्यमंत्री महोदय का भी यही कहना है कि ये अगले 8 दिनों में यदि सब जगह पे कांटेक्ट ट्रेसिंग और मास्क और इसका वापर यदि अच्छे से नहीं हुआ, लोगों के ऊपर यदि इसके ऊपर यदि कोई प्रभाव नहीं होता है तो अगले 8 दिनों के बाद में कड़ी से कड़ी कार्रवाई में लॉकडाउन से लेकर तो सारी चीजें उसमें आ सकती है। मेरी वही शॉर्ट में उन्होंने वही कहा कि आप इनके ऊपर ध्यान दें और सख्ती से उसके उसके सारे जो उपाय योजना है वो सारे जिले में कराए। यदि उसमें ऊपर यदि लोग यदि नहीं मान रहे हैं तो फिर इससे भी कड़े कड़े निर्बंध उसमें डाले जा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।